हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं आज का एक ब्लॉग बना रही हूँ। ये एक्चुअली इवनिंग ब्लॉग है। ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन तूफान आया था यश। तो हमारे यहाँ भी तूफान के कुछ मतलब असर हुआ था। तो उस दिन सुबह से ही जो था बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी ये शाम की टाइम है, यहाँ पे देखो अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा। तो उस हवा के साथ साथ बारिश भी थी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो मैंने सोचा आज एक इवनिंग ब्लॉग मैं शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। सो अभी एक्चुअली मैं बाहर बैल्कनी में खड़ी हूँ और आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत देखिए बादल आए हैं और बीच बीच में बारिश भी हो रहा है। तो ये नज़ारा देखने के बाद लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। सो अभी मैं अंदर चलती हूँ और कुछ काम भी है मुझे, अभी शाम के टाइम है। और यहाँ पे मैं आज कुछ ज़्यादा ही सब्ज़ी जो है बाहर से लाई हूँ, क्योंकि पता नहीं कितने दिन ये रहेगा और बाहर नहीं जा पाऊँगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी थोड़ा सा पहाड़ी दिख रहा है और यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रखा है। और मेरी बेटी वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और बोलते बोलते बारिश शुरू हो गई है। तो उस दिन शाम को एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्नैक्स बनाई थी, इजी वाला स्नैक्स जो गोल्डन फिंगर्स होते हैं ना, एक तरह के पापड़ साबू के, तो वही बनाई थी, फ्राई कर ली थी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बाहर बारिश चल रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन साथ में ये डर भी था क्योंकि पता नहीं रात को क्या होने वाला था, क्योंकि सुन रही थी रात को बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और साथ में तूफान जो है आने वाला है, तो पता नहीं कैसा होगा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जस्ट चाय पीने के बाद ही मैं डिनर बना रही थी, रोटी और सब्जी। और यहाँ पे देखिए बादल किस तरह से पूरे छाए हुए हैं। ये नज़ारा देखने के बाद तो लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और पता नहीं क्या होगा, मतलब कितना तेज़ होगा और क्या क्या उसके असर होगा अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखने में भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये बादल बिल्कुल हट रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा एक नज़ारा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया है। और ये जो मैं क्लिपिंग्स आपको दिखा रही हूँ, ये एक्चुअली बारिश तब स्टार्ट हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई है, आप देख के आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रहा था, हालांकि क्योंकि मैं विंडो के अंदर से मैं इसको शूट कर रही थी तो उतना मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रहा था और मेरे घर में तो कुछ मतलब खिड़की से भी पानी आ रहा था और बालकनी के दरवाजे से भी। तो बहुत तेज़ बारिश और साथ में बहुत तेज़ हवा और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थे बहुत देर तक।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पेड़ किस तरह से हिल रहा है। ये एक्चुअली तब एकदम पीक मोमेंट था, बहुत तेज़ हवा था यश की वजह से, और उसके साथ ही मतलब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैंने इतने बहुत सालों के बाद मैंने इतना तेज़ बारिश मैंने देखा है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो यहाँ पे आपको एक गेट टाइप दिख रहा है, वो बहुत ज़ोर से हिल रहा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना तेज़ जो था हवा का जो मतलब गति था, कितना तेज़ था हवा का स्पीड, बहुत तेज़ था। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी और साथ में बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। और ये जो क्लिपिंग्स है ये दूसरे दिनों की है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहाड़ी और जो बादल है किस तरह से बहुत खूबसूरत देखने को लग रहा था, हालांकि उस समय भी बारिश नहीं रुकी थी, बारिश लगातार यहाँ पे 2 दिनों तक हुआ, बहुत तेज़ बारिश हुआ। और उसी दिन देखिए आप कितना क्लाउडी होके रखा है और बहुत तेज़ उस समय बारिश भी हो रही थी और ये नज़ारा भी दिख रहा था। तो आज की मेरी ये ब्लॉग यही तक था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने इस बारिश का जो मौसम है और इस यश तूफान की वजह से किस तरह था मेरा एक इवनिंग ब्लॉग मैंने आपको शेयर किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। लगा है तो लाइक कमेंट के साथ साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।